वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी छोटेलाल चौधरी का धुआंधार जनसंपर्क अभियान जारी है। इसी कड़ी में छोटेलाल चौधरी वार्ड 23 घासीदास नगर पहुंचे। यहां वे निषाद समाज की बैठक में शामिल हुए। उपस्थित पदाधिकारियों ने उन्हें अपना पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन दिया। पूर्व पार्षद और भाजपा नेता छोटेलाल चौधरी वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं। नामांकन जमा करने के पूर्व से वे लगातार वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के सभी वार्डों में सघन जनसंपर्क कर रहे हैं, जहां वार्ड वासियों का उन्हें भरपूर सहयोग मिल रहा है। छोटेलाल चौधरी के जनसंपर्क अभियान में युवाओं की भीड़ उनके साथ देखने को मिल रही है। बेदाग छवि और मिलनसार व्यक्तित्व के धनी छोटेलाल चौधरी अपने जनसंपर्क अभियान के तहत वार्ड 23 घासीदास नगर स्थित निषाद समाज के भवन पहुंचे। यहां उपस्थित निषाद समाज के पदाधिकारियों द्वारा छोटेलाल चौधरी का पुष्पहार से स्वागत किया गया। भवन में हो रही पूजा अर्चना में निर्दलीय प्रत्याशी छोटेलाल चौधरी शामिल हुए। निषाद समाज के पदाधिकारियों और महिला सदस्यों से काफी वक्त तक छोटेलाल चौधरी की चर्चा जारी रही। छोटेलाल चौधरी का समाज के सदस्यों के बीच वर्षों से आना जाना रहा है। छोटेलाल चौधरी के वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े जाने को लेकर उपस्थित सभी सदस्यों ने प्रसन्नता जाहिर की, साथ ही उन्हें भारी मतों से विजयी बनाने का संकल्प भी लिया। समाज के पदाधिकारियों नारद मुनि, जितेंद्र चौधरी और उपस्थित महिलाओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जिस प्रकार इससे पहले पार्षद चुनाव में हमारे कलिका चौधरी जी को हमारे समाज का 100% सपोर्ट मिला था, उससे भी कहीं ज्यादा हमारे छोटेलाल भाई को सपोर्ट करेंगे। वैशाली नगर विधानसभा में हमारे समाज के लोग 18,000 वोटर हैं, 18 के 18,000 वोटों उनको वोट करेंगे। हमारे समाज के, हमारे निषाद समाज के बहुत मजबूत और अच्छे दावेदार हैं और हम चाहेंगे कि हमारा पहला विधायक हमारे समाज से यहाँ बने। निषाद समाज यहाँ पे बहुत जागरूक था। हम लोगों ने यहाँ पे भवन बनाने के लिए भी बहुत मेहनत किया और इससे सामाजिक परिवेश में इतना छोटेलाल जी इतना एक्टिव हैं हमारे कि इनके बहुत से सहयोग से हम एक मिलन समारोह करवाते हैं यहाँ पे साल में। और इनकी जो दावेदारी है बहुत मजबूत होना है। हम लोग पूरे समाज के तरफ से इनको पूरा समर्थन करते हैं और आने वाले दिनों में चाहेंगे कि समाज के लोग इनका समर्थन करें और इनको विजयी घोषित करें। हम एक बाहर एक सामाजिक परिवेश में बहुत मजबूत दावेदार हैं हमारे बीच में। हम लोग समाज वाले से एकजुट हुए हैं। छोटेलाल चौधरी जी खड़े हुए हैं मतलब विधायक के लिए। हम लोग सब उनके साथ देने के लिए बोल रहे हैं, सब समर्थन है। हम लोग इसी के लिए मीटिंग रखा गया है या ऐसी चर्चा कराए गए हैं। सब साथ में ही हैं, उनके साथ देने के लिए हम तैयार हैं। सब मिलेगा, सब हम लोग एकजुट है, एक साथ हैं, मिलेगा समर्थन को नहीं मिलेगा। हमारे समाज से छोटेलाल चौधरी भैया खड़े हो रहे हैं विधानसभा क्षेत्र के लिए, तो हमको उनको समर्थन करना है, सभी को समर्थन करना है। हम पूरा वोट उनको देंगे और दूसरे लोग से भी दिलवाएंगे। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी छोटेलाल चौधरी ने कहा कि सभी वार्ड में उन्हें लोगों से व्यापक समर्थन मिल रहा है। काहे कि समाज से पहले समाज ही सबसे बड़ा होता है। हमारा समाज घर है, अपने समाज को अभी नामांकन भरा गया है। सब समाज की मीटिंग में सब जगह लिया हूँ मैं। आज घासी जाल की मीटिंग ले रहे हैं हम लोग और बहुत अच्छा अपना समाज का समर्थन मिल रहा है। अदरवाइज सब समुदाय के लोग के भी अपनों समर्थन मिल रहा है। आज पहले अपने घर की बैठक कर रहे हैं हम लोग। घर समझ जाएगा तो हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। हर एक वार्ड एक सेल के वार्ड 37 से मैंने दौरा किया है और हर एक समुदाय के लोग हमको कंधे मिला के खड़े हैं और चलने के लिए समर्थन कर रहे हैं। गौरतलब है कि वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में छोटेलाल चौधरी ने अपने सामाजिक कार्यों की वजह से अलग पहचान बनाई है। सभी के सुख दुख में वे निरंतर शामिल होते रहे हैं। पार्षद रहने के दौरान उन्होंने अपने वार्ड में निरंतर विकास कार्यों को किया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।